कितना बार समझाए, कितना बार हम बिंदिया को समझाए हैं कि ठाकुर परिवार से हमदर्दी रखने का कोनो जरूरत नहीं, इतना तरस खाने का कोई जरूरत नहीं है, लेकिन नहीं मानेगी नहीं, फिर से जाकर उसका दिल पिघल गया। अब आप क्या सोच रही हैं? बताइएगा आगे क्या करना हमको? उसके खून से हमारे नमक का एक एक कतरा खींच निकालना है। ये जो नंबर है ना, इन सब में से एक नंबर ई है जिसपे सबसे ज्यादा बार फोन आया है और फोन किया। इसका मतलब ये उसी शख्स का नंबर है जो कोमल और छोटी अम्मा के दिए हुए इशारों को अंजाम तक पहुंचा रहा है। लेकिन ये है कौन? इस नंबर तक पहुंच के आधी जंग जीत चुके हैं, बहुत जल्द उस शख्स तक पहुंच जाएंगे। और कसम खाते हैं साला, हमारे बाप की उंगली काटी ना, जिस दिन हमारे हाथ चढ़ गया ना, उस दिन जान से मार देंगे उसको। अम्मा, सरकार ऐसा मत कीजिए, हमारी अम्मा को छोड़ दीजिए। अपनी जिंदगी में अम्मा ने बहुत कुछ सहा है, आपको जो सजा देनी है हमको दीजिए, लेकिन हमारी अम्मा को छोड़ दीजिए। आप जो कहेंगे हम करेंगे, हम सब कुछ करने को तैयार हैं, इन्हें जाने दीजिए। अच्छा, कुछ भी करोगी, जबान देती हो? हाँ, जबान देती हूँ। ये सब किसने किया? ढूंढो उसे। क्या हुआ, कोई मिला का? सरकार को खबर करनी होगी। आप सरकार हैं और इसे तुच्छी आदमी के लिए इतना बौखला जाना अच्छा बात नहीं है। अपनी कामयाबी पर भरोसा करना अच्छी बात है कोमल, पर दुश्मन की ताकत को कमजोर समझना बेवकूफी। अगर भूषण ठाकुर हमारे हाथ से निकल गया ना, तो लाखन को काबू करना बहुत मुश्किल होगा हमारे लिए। हमने देखा है लाखन को पुन्मी के लिए लड़ते हुए, अकेला लड़ा था पूरी बेगूसराय से। अरे फूलन ठाकुर से संभाल ही नहीं संभली थी उसकी ताकत। अरे भूषण नहीं मिला ना, तो फिर सत्ता तो दूर, हमारी जान भी जा सकती है। और तुम कह रही हो हम बौखलाए नहीं, तो इसका मतलब ये है कि लाखन ठाकुर तक खबर पहुंचने से पहले हम लोग को भूषण ठाकुर तक पहुंचना पड़ेगा। हाँ, जिंदा या मुर्दा। झूठ बोले हमसे, धोखा दिया हमको, आप ऐसे कर भी कैसे सकते हैं? झूठ पसंद नहीं है हमको, और ना ही हमने किसी को धोखा दिया है। बस हमको अपने बाबूजी तक पहुंचना था। तुम्हारे सरकार ने बिंदिया को हमारे बाबूजी को मारने के लिए भेजा ना, और उस सरकार के अड्डे पे नहीं मिले। लाखन ठाकुर को ये सब कैसे पता? का सोच रही हो कि सब हम कैसे जानते हैं? तो जाओ पता लगा ले। जिस बाप की सलामती के लिए हम चुप बैठ सकते हैं, अगर उसको खरोच आ गई ना, सरकार का ईंट से ईंट बजा दें। दुआ करो कि हमारे बाप सलामत हों। आपके गुस्से से तो हम बहुत अच्छी तरह वाकिफ हैं, और इससे पहले मामला हमारे हाथ से निकल जाए हमको सरकार को बताना पड़ेगा।